दिन शुरू हुआ नहीं, अपनी फोटो क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ क्या आप जानते हैं? ओप्पो। जी हाँ, ओप्पो ने ना सिर्फ इस क्रेज़ को बढ़ाया है बल्कि अपने AI एनेबल्ड सेल्फी कैमरा फोन्स के माध्यम से इसे ट्रेंड बना दिया है। सेल्फी नहीं बल्कि कंपनी ने कैमरा इनोवेशन में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फाइंड एक्स का स्लाइडिंग पॉपअप कैमरा, F11 प्रो की नाइट फोटोग्राफी और हाँ, रेनो के हाइब्रिड जूम ने यूजर्स को फोटोग्राफी में नए आयाम दिए हैं। और ऐसी ही इनोवेशंस की वजह से 91 मोबाइल्स द्वारा किए गए द ग्रेट इंडियन मोबाइल सर्वे में मिड रेंज सेगमेंट के लिए ओप्पो बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस में टॉप पोजीशन पाने में सफल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है रीजंस जिस वजह से ओप्पो को कैमरा और इनोवेशन के लिए बेस्ट माना जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी 91 मोबाइल्स के द ग्रेट इंडियन मोबाइल सर्वे के बारे में देता हूं। ये एक ऑनलाइन सर्वे था जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और उसी सर्वे में ओप्पो ने दो कैटेगरीज में नंबर वन की पोजीशन हासिल की। और अब हम बात कर लेते हैं ओप्पो के मिड रेंज सेगमेंट की, यानी 15,000 से 20,000 रुपए का सेगमेंट ओप्पो कैसे बदल रहा है। पहले आपने गौर किया होगा कि मिड सेगमेंट में भारी भरकम बड़े बेजल वाले और साधारण कैमरा वाले फोन्स आते थे। वो तो पिछले एक साल में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली है और बेजलेस स्लिम फोन्स आने लगे हैं। साथ ही साथ अब भी ज्यादातर फोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो दूसरों से एक कदम आगे निकला। कंपनी ने फरवरी 2019 में ही K1 मॉडल के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया। ये टेक्नोलॉजी प्रीमियम कही जाती है, लेकिन ओप्पो ने इसे मिड रेंज सेगमेंट में लाके खड़ा कर दिया और उस समय का पहला स्मार्टफोन बना। इनफैक्ट अब अंडर 20 की रेंज में बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ जुलाई में इसे फिर से दोहराया गया, वो भी ओप्पो K3 के साथ। लेकिन अब फोन और भी स्मार्ट हो चुका था। मिड सेगमेंट में रियर कैमरा 1 से 2 हो गए थे और फ्रंट में नॉच आ चुका था, लेकिन यहां एक बार फिर से नई इनोवेशन के साथ ओप्पो आगे निकल गया था। पॉपअप कैमरा के बारे में हाल ही में काफी सुनने को मिला है। कंपनी ने F11 प्रो के साथ इस प्राइस सेगमेंट में पॉपअप कैमरा को पेश किया। सबसे खास बात जो कही जा सकती थी इस स्मार्टफोन के बारे में वो ये है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का भरपूर ध्यान रखा था। तो देखा आपने कैसे नई इनोवेशन के साथ ओप्पो ने मिड सेगमेंट को बदला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जैसे जैसे साल गुजरा, कंपनी ने एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। साल 2019 में ओप्पो A5 2020 और ओप्पो A9 2020 सीरीज के स्मार्टफोन्स आए, जो स्टाइल के साथ साथ परफॉर्मेंस और कैमरा में भी शानदार थे। यहां से कंपनी ने मिड सेगमेंट में क्वाड कैमरास की शुरुआत की थी। क्वाड कैमरा के अलावा शानदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के साथ इन फोन्स ने भारतीय मोबाइल बाजार की रौनक ही बढ़ा दी। अब आप जान गए होंगे कि कैसे ओप्पो ने मिड सेगमेंट को दमदार बना दिया है। लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फोन्स तो हर कोई कंपनी लॉन्च करती है, लेकिन अच्छी सर्विस बहुत ही कम कंपनीज दे पाती हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सर्विस ही वो दूसरी कैटेगरी थी जहां पर ओप्पो 91 मोबाइल्स के द ग्रेट इंडियन मोबाइल सर्वे में फिर से नंबर वन की पोजीशन पाने में सफल रहा। कंपनी को मिड रेंज सेगमेंट में सर्विस के लिए दी बेस्ट कहा गया है, यानी अच्छे फोन के साथ बेस्ट सर्विस की भी गारंटी है। ओप्पो की बात हो रही है और रेनो की इनोवेशन का अगर जिक्र ना करें तो शायद ही चर्चा अधूरी होगी। रेनो की शुरुआत तो 10x हाइब्रिड जूम से हुई, साथ ही शार्क फिन सेल्फी ने लोगों को काफी लुभाया। वहीं रेनो 2 सीरीज के साथ कंपनी ने प्रीमियम क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस को थोड़े कम बजट में मुहैया करवाया और इस सीरीज में 3 फोन्स पेश किए। जहां ओप्पो रेनो 2F 20,000 के बजट में है, तो वहीं रेनो 2Z 30,000 के, जबकि ओप्पो रेनो 2 37,000 के बजट में आता है। इस तरह कंपनी ने सभी सेगमेंट को केटर किया है। अंततः आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ओप्पो अपने हर सेगमेंट को ना सिर्फ इनोवेटिव बना रहा है बल्कि यूजर्स को एक कंप्लीट चॉइस मुहैया करवा रहा है। हर बजट में आपके पास एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, जहां एक और मिड सेगमेंट की कमान K3, A5, A9 और F11 सीरीज के पास है, तो वहीं हायर एंड में रेनो सीरीज कमाल कर रही है। एनीवे, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमेशा की तरह आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेड़ा साइनिंग ऑफ।